लाडो के किचन में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने के लड्डू, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा, जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साबूदाने के लड्डू। आज बना रहे हैं साबूदाने के लड्डू, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हम थोड़े से साबूदाने लिए हैं, 200 ग्राम के करीब, रात में भिगोने के लिए छोड़ दिए थे। अब इसे हम छान लेते हैं एक छन्नी में। छन्नी में बहुत ही आसानी से ये पानी निकल जाती है, तो इसीलिए छन्नी में ही छानिएगा, सूती कपड़े में भी छान सकते हैं। तो इस तरह छान लीजिए, देखिए अच्छे से छन गया है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीब घी रखे हैं और घी गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम साबूदाना रख दीजिए और गैस कम ही रखना है, गैस तेज़ नहीं करना है। गैस तेज़ करेंगे तो साबूदाना ख़राब हो जाएगा, इसलिए गैस कम ही रखना है और मिलाते रहना, ज़्यादा देर नहीं मिलाना है, थोड़ी देर ही मिलाना है। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये, तो देखिए बन गया है ये। अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। तो 200 ग्राम साबूदाना था, तो 200 ग्राम यहाँ पे हम चीनी मिलाए हैं। इससे बहुत ही अच्छा मीठा बन के तैयार होगा, ना ज़्यादा कम होगा और ना ज़्यादा होगा। तो इसी तरह डाल के मिला दीजिए, थोड़ी देर में इसे तैयार हो जाएगा। इस तरह मिलाते रहिए, मिलाने से गुठली नहीं बनेगा, और छोड़ दीजिएगा तो गुठली बन जाएगा, इसलिए इसे मिलाते रहना है। गैस कम ही रखना है, तेज़ नहीं करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन के तैयार है। अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो ये कड़ा हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा घी मिला देते हैं और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश और नारियल है, थोड़ी सी कलर इसमें डाल देते हैं। देखिए लग रहा है ना, बहुत बढ़िया कलर। अब बन के तैयार है, अब इसे हम लड्डू बनाते हैं। तो 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद लड्डू बनाइएगा, क्योंकि ये गर्म है तो नहीं बनने, हाथ जल जाएगी, इसलिए थोड़ी सी ठंडा होने देते हैं। अब हम लड्डू बनाते हैं। थोड़ी सी हाथ में घी लगा लीजिए और इस तरह लड्डू बनाइए, लग रहा है ना बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं ये लड्डू, और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो इस तरह बनाइए लड्डू, देखिए बहुत ही बढ़िया बन के तैयार है। अब इसे हम तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये टूट गया है और बहुत बढ़िया लग रहा है। इस तरह बनाइए, खाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा बना है। अगर ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा बना है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।